उन्नाव गैंगरेप मामले में कुलदीप सेंगर की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। तो याचिका कुलदीप सिंह सेंगर की तरफ से डाली गई है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि आज इस मामले में सुनवाई होगी। तो आपको बता दें कि सजायाफ्ता विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, जिन्होंने उम्र कैद की सजा के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में इस याचिका को दाखिल किया है, तो राहत हालांकि अभी तक नहीं मिली है कुलदीप सिंह सेंगर को। लेकिन अभी फिलहाल इस याचिका को लेकर क्या कोर्ट का रुख रहता है, यहां पर देखना होगा, क्योंकि आज इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है। दुष्कर्म मामले में 30,000 कोर्ट से सजायाफ्ता कुलदीप सिंह सेंगर, जो अब दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, अदालत के फैसले को यहां पर कुलदीप सेंगर ने चुनौती दी है, जिसमें उसे आजीवन कारावास की सजा मिली थी। तो तिहाड़ जेल में आपको बता दें कि कुलदीप सिंह सेंगर बंद है, लेकिन आजीवन कारावास का जो फैसला कोर्ट ने सुनाया, उसी फैसले को चुनौती यहां पर दी गई है, और इसी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। देखना होगा कि क्या राहत वहां से कुलदीप सेंगर को मिल पाती है या फिर नहीं। दुष्कर्म का यह मामला जो काफी लंबा चला, और ऐसे में ये इंतजार किया जा रहा था कि क्या आखिर सत्ता पर बैठे नेताओं को, जिस तरह से ये मामला सामने आया है, क्या उनको उनके किए की सजा मिलेगी। और इस पर सजा मिली, जहां पर आजीवन कारावास उनके उनको दिया गया, लेकिन फिलहाल इसी फैसले को चुनौती कुलदीप सेंगर की तरफ से दी गई है। तो 2 साल तकरीबन ये पुराना मामला है, कुछ दिन पहले ही, तकरीबन 1 महीने पहले ही आपको बता दें कुलदीप सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, और अब इस मामले को लेकर याचिका लगाई गई है उस फैसले के खिलाफ, यहां पर जो 30,000 कोर्ट ने सुनाया था उम्र कैद की सजा, और उसी फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित दुबे यहां पर जुड़ गए हैं। अमित, इस पूरे मामले को लेकर अब याचिका दाखिल की गई है, फैसला जो पहले कोर्ट ने दिया था उसी फैसले को चुनौती, लेकिन क्या राहत मिल पाएगी यहां पर कुलदीप सेंगर को? देखिए, सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर की सहयोगी शशि सिंह को बरी कर दिया था, और उस बरी होने के बाद सिर्फ कुलदीप सिंह सेंगर थे जिन्हें ताउम्र कैद की सजा जो है वो 30,000 कोर्ट ने दी थी। और आज जब हाई कोर्ट मामले की सुनवाई करेगा, 11 बजे के आसपास मामले की सुनवाई होनी है, तो जाहिर तौर पे कुलदीप सिंह सेंगर के जो वकील है वो अपनी दलीलों को सामने रखेंगे कि किस तरह से कुलदीप सिंह सेंगर निर्दोष है और जो उनके साथ उन्हें जो सजा दी गई है वो गलत है, कई सारी चीज़ें हैं। हालांकि केस जो है कितना हाईलाइटेड केस है, इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस केस के लिए खासतौर पीड़िता के बयान दर्ज करने के लिए दिल्ली के एम्स जैसे हॉस्पिटल में अदालत लगानी पड़ी, और वहाँ पर पीड़िता का बयान दर्ज हुआ, और उसके बाद फिर इस तरह से 30,000 कोर्ट ने फैसला सुनाया। तो आज जाहिर तौर पे भाजपा के निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जो याचिका है, खासतौर पे जो 30,000 कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है, उसे लेके सबकी निगाहें हाई कोर्ट के डिसीजन पर है जी। लेकिन अगर अमित शुरुआत से इस पूरे केस को देखें, तो हर बार बचते हुए नजर आए हैं कुलदीप सेंगर, लेकिन अंत में आकर यहाँ पर फंस गए, और जो आरोप उन पर लगाया गया था वो कहीं ना कहीं साबित हुए। इसके जरिए देखा भी गया कि कोर्ट के जरिए टिप्पणी की गई थी, जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन इस तरह से ये नहीं कि आप पर जो आरोप लगाया गया है उसमें पीड़िता को न्याय ना मिले, टिप्पणी की गई थी, उसके बावजूद क्या लगता है, क्या इन सब के बीच ये रास्ता जो फिलहाल वो तलाशने की कोशिश कर रहे हैं साफ हो पाएगा? उम्र कैद की सजा जो है, जो चुनौती दी गई है, उसमें क्या राहत उन्हें मिल पाएगी? देखिए, कुलदीप सिंह सेंगर को जब 30,000 कोर्ट फैसला सुना रही थी तो मैं वहां कोर्ट में मौजूद था, और खास बात यह थी कि फैसले वाले दिन भी कुलदीप सिंह सेंगर के चेहरे पे कोई भी शिकन नहीं था, और उसे साफ तौर पे पता था कि वो कहीं ना कहीं निर्दोष साबित हो जाएगा।
ने फैसला शुरू किया और जब अदालत ने ये फैसला सुनाया कि कुलदीप सिंह सेंगर ना सिर्फ दोषी करार बल्कि उन्हें ताउम्र कैद की सजा दी जा रही, यानी जब तक वो जीवित है तब तक वो जेल में रहेंगे, उसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर की चेहरे पे वो हाव भाव नजर आए कि उन्हें सजा जी उसके आधे घंटे पहले तक कुलदीप सिंह सेंगर को कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो निर्दोष साबित होंगे और यही वजह हुई कि जब उन्हें सजा हुई तो उनके सहयोगी जो शशि सिंह थी वो सिर्फ कुलदीप सिंह सेंगर की सजा से ही बेहोश हो गई थी और उसके बाद अदालत के में जो मौजूद पुलिसकर्मी थे उन्होंने शशि सिंह को उठाया, उनके ऊपर पानी का छिड़काव किया और उसके बाद अदालत अपना फैसला सुनाती रही, यहाँ तक कि जज को इंटरवीन करना पड़ा। जज ने उन सिपाहियों से कहा कि इन्हें बताया जाए शशि सिंह को कि ये निर्दोष साबित हुई है और काफी देर बाद शशि सिंह उस डिसीजन को समझ पाए। तो जाहिर तौर पे कितना अहम डिसीजन था और किस तरह का डिसीजन था इस बात का अनुमान सेंगर को नहीं था। और यही शशि सिंह को लेकर जो फैसला लिया गया कोर्ट के जरिए उसी को देखते हुए उम्मीदें यहाँ पर कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि कुलदीप सेंगर की बढ़ रही है और शायद इसी को लेकर याचिका दाखिल की गई है। चलिए अपडेट के लिए आगे बने रहेंगे आपके साथ, फिलहाल आपको बहुत बहुत धन्यवाद अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए।